अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इसके साथ नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन कर लीजिएगा। आज के एसी 100 पे बहुत क्रूशियल क्लोज था, जब मैंने आपको बताया था कि माय ओपिनियन इट इज गोइंग टू क्लोज अबाउट 47,000 पॉइंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एंड यस वी डिड इट। और अब हमारे पास जो एक लास्ट आप समझ लीजिए क्राइटेरिया है या एक लास्ट जो थोड़ी सी परेशानी है वो ये है कि अब हम एक यहाँ पर वापस जो रीटेस्ट है वो नाइसली वापस आए और उसको रीटेस्ट कर लें विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ केओस इन द मार्केट। और दैट इज गोइंग टू बी अ रीटेस्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, नॉट ऑन द डेली। वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि हमें नेक्स्ट फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा एंड दैट इज जस्ट अ प्रिकॉशनरी थिंग। लेकिन उसके उससे पहले इफ वी फाइंड एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन जिसमें हमारे पास स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स जो हैं वो बूर होते चले जाएं, जिस तरह के मिसाल के तौर पे यू कैन सी दिस इज द लोकल हाई दैट वी हैव फॉर्मड रिसेंटली ओवर हियर। और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन आई आज ऑल्दो, लेकिन 47,550 पॉइंट्स के पास से जाके वापस सेल ऑफ हुआ टिल द लास्ट मोमेंट अप टू 47,328। लेकिन नॉट अ बिग डील इफ वी समहाउ क्लोज डेलीज अबव 48,110 पॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू शेप अप रियली गुड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। एंड ये एक फॉरवर्ड टेलटेल साइंस होंगे बिफोर रीटेस्टिंग द वीकली ऑन द 47,000 स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। तो ये जरूर याद रखिएगा 47,000 जो हमने अबूर किया पॉइंट्स ओवर हेयर, इसमें हमारे पास बाय नेक्स्ट वीक जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए इसको रीटेस्ट करने के बाद 47,000 पॉइंट्स के अबव, जो कि हमें लीड करेगी आइदर फर्दर इन टू कंसॉलिडेशन अबव द 47,000 स्ट्रक्चर और या हमारा मूव जो है वो स्टार्ट हो सकता है बैक टू द टॉप। और उसमें हमारे पास जो सबसे पहला लेवल होगा टू बी वॉच्ड दैट इज गोइंग टू बी 48,370 पॉइंट्स समवेयर अराउंड दैट अप्रॉक्सिमेटली व्हिच इज द प्रीवियस हाई ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये जो हमारे पास बॉडी क्लोजेस हैं प्रीवियसली इसके ऊपर हमें वीकली क्लोजेस चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू रिज्यूम आर ट्रेंड टू द अपसाइड। और RSI में जो फैंटम डाइवर्जेंस थी वो प्ले आउट तकरीबन हो चुकी है ऑलमोस्ट पूरी एंड लेट्स सी कि हमारे पास फर्दर जो है वो कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है। आई थिंक जो फैंटम डाइवर्जेंस थी दे हैव पुट अस बैक इनटू द गेम अबव 47,000 स्ट्रक्चर और उसके बाद हमारे पास कंसोलिडेशन के वीक्स आ सकते हैं मे बी एक से दो, बट वी हैव टू सी कि अगला वीक जो है वो किधर क्लोज होता है स्टार्टिंग ऑन मंडे टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो दिस इज इट फॉर द KSE 100। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।